हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदेश और आपका स्वागत है एसपी व्यूज में। आज हम एक खास परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि परफ्यूम नहीं है, ये एक्चुअली लिक्विड बेस्ड डियो है। मैंने परफ्यूम इसका जिक्र क्यों किया है, क्योंकि ये मेरे और एक फेवरेट परफ्यूम का क्लोज फ्रेगनेंस है। मैं क्लोन नहीं बोलूँगा या स्मेल लाइक नहीं बोलूँगा, मगर क्लोज फ्रेगनेंस है जो स्मेल में काफ़ी करीब आता है उसके, और उसका नाम है फॉग का डैश। मैंने अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले फॉग के विक्टर के बारे में मैंने जिक्र किया था और उसकी वीडियो मैंने पोस्ट की थी। वो समर के लिए एक सबसे ज़बरदस्त मेरा फेवरेट डियो है, और उसके बाद ये है फॉग का डैश। मैंने ऑनलाइन मार्केट से इसकी एक 30 ml की 80 rupees में बॉटल खरीदी थी, तब से ये मेरा फेवरेट हो गया था। और मैं इसकी 120 ml की ये बॉटल ढूंढ रहा था और कल मुझे एक शॉप में मिली, और वो शॉपकीपर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये 225 की बॉटल है जो उसने मुझे 5% डिस्काउंट देके मुझे 214 में दे दी। थैंक यू। जो कपार्ट मैंने ये दो फॉग के जो फ्लैंकर्स है, विक्टर और डैश, इनको मेरे फेवरेट क्यों बताया, क्योंकि इसकी एक कहानी है। कहानी इन द सेंस इसकी एक वन लाइनर कहानी है, क्योंकि इसमें नोट्स चेंज होते हैं। नॉर्मली ड्यूज में इतने नोट्स चेंज नहीं होते हैं। फॉग के मैंने बहुत सारे फ्लैंकर्स यूज़ किए हैं, और उसमें से जितने भी फ्लैंकर्स मैंने यूज़ किए वो सिर्फ वन टाइम यूज़ किए, उसके बाद मैंने उनको ख़रीदा नहीं, क्योंकि उनकी जो खुशबू है एक बार आप स्प्रे करोगे उसके बाद वो सेम ही रहती है 3 घंटे या 4 घंटे, फिर वो यूज़ करने के लिए मज़ा नहीं आता है। मगर वो कहानी इन दोनों फ्रेगनेंस में नहीं है जो विक्टर और डैश में है। डैश तो डेफिनेटली अलग लेवल का ही है, मतलब उसकी कहानी अलग है। जब मैंने डैश पहले स्प्रे किया था, ये नॉर्मल बॉटल है इसकी, और इसका एटमाइजर देखिए, काफ़ी वाइड और ज़बरदस्त थ्रो है इसका, बड़ा थ्रो है इसका, जिसके वजह से आप कम स्प्रे में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। तो इसका जब मैंने पहला स्प्रे किया था, और वो स्प्रे मैंने स्नीफ करने के बाद तुरंत मुझे याद आया मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेगनेंस, जो टाइमलेस क्लासिक फ्रेगनेंस है, उसका नाम है ह्यूगो बॉस मैन लाजवाब। मतलब ह्यूगो बॉस मैन जितने यूज़ किए हैं ना, वो पता कर सकता है, उसको मालूम है कि वो फ्रेगनेंस की क्या लेवल है। वो एक स्पाइसी ग्रीन फ्रेश, एक वॉर्म और एरोमेटिक मतलब खुशबू है वो, और वो अलग लेवल की है। सेम स्पाइसीनेस जब आप स्प्रे करते हो तो पहले आपको सिट्रस मिलेगा उसमें, और ये सिट्रस नोट्स कहाँ पे भी, मतलब नॉर्मली सब नोट्स मेंशन नहीं है फॉग के, तो उसमें जो पहला नोट उभर के आता है मुझे लगता है शायद बगमोट या लेमन का रहेगा, और उसमें साथ ही साथ एक हल्का सा टिंच आता है स्पाइसीनेस का, वो मुझे लगता है लौंग का रहेगा, या मतलब क्लोव, या फिर मुझे लगता है एक तंबाकू की खुशबू है, जो गीली तंबाकू रहती है उसकी जैसी खुशबू है, और वही स्पाइसीनेस देता है, ज़बरदस्त स्पाइसीनेस है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और या मैं सोच भी नहीं सकता था कि फॉग ने 200 रुपये में ये जो फ्रेगनेंस दी है ना, कमाल की है। 1 से 1.5 घंटे तक आपको 2 फीट की इसकी प्रोजेक्शन मिलेगी, जो सेम आपको ह्यूगो बॉस मैन में मिलती है। ह्यूगो बॉस मैन में तो हालांकि ज़्यादा है, 3 फुट की उसकी प्रोजेक्शन है, मगर ये 200 रुपये के डीओ ने करके दिखाया है। इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी है, लोगों जो 2-2 फीट तक लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे उनको मालूम होगी, क्योंकि कल मैंने यूज़ किया था इस परफ्यूम को, आज भी यूज़ किया, मुझे कम से कम 10 कॉम्प्लीमेंट मिले इससे, और लोगों ने मुड़ के पूछा भी है, मतलब एक हेड टर्नर भी है ये। और उसके बाद डेफिनेटली ये डीओ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा ये टिकता है, मतलब प्रोजेक्शन के बाद, मतलब 4 घंटा पकड़ लो, 4 घंटा ये टिकेगा, आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसको कम से कम कल से और आज लेके, मतलब दिन में 2 बार मैंने अप्लाई किया है इसको, तब जाके मुझे 10 घंटे की परफॉर्मेंस मिली है। और इसके बाद जो मुझे मिलता है प्रोजेक्शन ख़त्म होने के बाद, प्रोजेक्शन जब ख़त्म होता है तो उसमें सेज की खुशबू है हल्की सी, और हल्की सी इसमें लेवेंडर है, और जब ये नोट्स चेंज होते हैं तो जब ड्राई डाउन होता है तो इसमें पचोली और सीदार का मुझे हल्का सा टिंच मिलता है, और शायद हो भी सकता है
जितनी मैं इसकी खुशबू समझ रहा हूँ तो उसमें सिदार और पचोली डेफिनेटली है और हल्का सा मस्क भी है, और यही मिला जुला के जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे योगो बॉस मैन की याद दिलाता है, और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है फॉग के डैश के लिए। अगर किसी ने यूज़ किया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में, बट मैं इसको रिकमेंड करूँगा हर एक एज ग्रुप के लिए जो अबाउट 25 है। और इसमें जो वार्मनेस है वो अलग लेवल की है, मतलब आप अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या आप कोई सोशल गैदरिंग है, आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं और लोग आपको डेफिनेटली पूछेंगे। मतलब ये एक यूनिक फ्रेगनेंस है फॉग के जितने भी फ्लैंकर्स है उसमें। फॉग ने मुझे मालूम नहीं इसको 120 ml में निकालने के लिए इतना देर क्यों किया, और ये ऑनलाइन सिर्फ 30 ml की क्यों मिलती है, बाकी सब फ्लैंकर्स मिलते हैं, मगर ये वन ऑफ द माई फेवरेट है और मेरे कलेक्शन में हमेशा रहेगा ये डियोज़ के स्पेशली, क्योंकि ये योगो बॉस का जो क्लासिकनेस है ये इसके मतलब 70% तो करीब जाता है। और मेरा मानना ये है कि अगर योगो बॉस मैन आप नहीं खरीद सकते हो इसे खरीद लो, पैसे बचाओ और वही कॉम्प्लीमेंट आप पा सकते हो। अगर आप पैसे बचा के योगो बॉस मैन भी खरीदते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर पहले इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश कीजिए जिसने किसी ने ये यूज़ किया है, और अपने रिव्यू उसमें आप डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चले। धन्यवाद।